गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों और आने वाले ऑफिसर्स, आप सबको नमस्कार है। बच्चों संध्याकालीन नमस्कार। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज सेम के सेम बच्चों 15 प्रश्न पढ़ेंगे सीडीएस के कंपटीशन में आए हुए। उसके बाद में आज स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ेंगे आज। चलिए बच्चों आ जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इन प्रश्नों का आंसर दीजिए और सिलेक्शन लीजिए और अपने खुद का और अपने माता पिता के सपनों को साकार करिए। आइए बच्चों, यस, पहला प्रश्न आपके सामने है, यह रहा पहला प्रश्न। बहुत अच्छा, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। यस, बहुत अच्छा, पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने है। देखो थोड़ा क्या है, इको का प्रश्न है ये, इकोनॉमिक्स का। भारत में नई जीडीपी श्रृंखला के आधार वर्ष यानी कि 2005-2004-5 में इनमें से किस वर्ष के लिए स्थानांतरित किया गया है, यानी बदल दिया गया है। पहले कौन सा था बच्चों, जीडीपी जो है ना, उसका बेस ईयर था 2004-5 और वर्तमान में ये हो गया है 11-12। डी इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान में डी इज द करेक्ट आंसर। 2011-12 में यह ट्रांसफर किया है, इसको बेस ईयर माना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखोगे। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। यस, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और इसका आंसर आपको देना। बहुत शानदार प्रश्न बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यस आ जाइए। नमस्कार बच्चों, दूसरा प्रश्न बच्चों, क्रोनोलॉजी सेट करनी है। किसकी क्रोनोलॉजी? हिस्ट्री का प्रश्न है और मिडवल हिस्ट्री का प्रश्न है। मिडवल हिस्ट्री प्रश्न क्या लिखा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, शाबाश बच्चों। आजकल जो है आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है उसी तरह से एक्साइटेशन भी जरूरी है ना। देखो इसमें ना, सूर न पूछे टीपणो, सुकन न देखे सूर, मरना सु मंगल गिणे, समर सड़े मुख दूर। यानी कि यह हुआ कि जब बच्चों एग्जाम आता है तब आपके चेहरे पर एक अलग खुशी होती है, वही असली योद्धा है। यस, और जिसको एग्जाम देख करके टेंशन आती है वह तो कायर है बच्चों। यस नहा, मैंने अपने हिसाब से इसको सेट कर दिया। नहा, उसका भावार्थ तो कुछ और था लेकिन आपके हिसाब से ये सेट हुआ। चलिए आगे बढ़िए। देखें क्या है इसके अंदर। सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले इसको टाइम दे दो बच्चों। यह अकबर के काल का है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के काल का है, यह लोदीबाग कौन से लोदियों के काल का है और यह तुगलकों के काल का है। तो क्या करोगे? सीधी सी बात क्या था? जी 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 के तसलम, बस आ गया सामने आपके आंसर। कुछ नहीं है, देखो सबसे पहले कौन है? गुलाम वंश का कौन सा आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी तीसरा जहां पे आ गया ना वो सही जाएगा, बाकी तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद कौन सा आया? खिलजी। खिलजी है कोई नहीं है, तुगलक आ रहे हैं। तुगलक आ रहे हैं, इसका मतलब तुगलक कौन सा? फर्स्ट। इसका मतलब इसके बाद आएगा फर्स्ट। देखो अभी भी कंपटीशन चल रहा है दोनों में, है? हाँ, यस, आगे बढ़िए। तीसरा क्या? देखो इसके बाद में फिर आते क्या? लोदी। वो लोदी आएंगे, सैयद यानी लोदी। तो लोदी का मतलब यह दूसरा बाद में आएगा, तो दूसरा ये पछाड़ दिया उसको। देखो ये आंसर गया। ऐसे आंसर निकालना बच्चा एग्जाम में फटाफट। यस, करमवीर शर्मा। हाँ वर्मा जी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है बच्चों, मुझे भी खुशी मिलती है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। यस, और ये मौका मिला ईश्वर ने, तो इस संयोग को उस लेवल तक पहुंचाएंगे जहां तक जिंदगी भर हमारी ये बातें और हमारे ये सहयोग और ये आपस का जो मिलन याद रहेगा बच्चों, ऐसा इतिहास बनाएंगे हम। यस, देखिए और इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, यह शानदार जानदार। यस, और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं आरती, आरती कह रही है सीडीएस कब है बच्चों? अच्छा सीडीएस कब है बच्चों? सीडीएस रोज ही सीडीएस में जीते हम तो, है ना। हाँ आंसर दे देना। इसमें कहा है बच्चों कि मुगल साम्राज्य का स्वरूप जो देखा, एक विद्वान बैठा है यहाँ और उसने यह कहा कि मुगल शासक की ऐसी विशेषता थी कि शोषक वर्ग के लिए केवल संरचनात्मक पूजा के रूप में ही नहीं बल्कि यह स्वयं शोषण का भी प्रमुख जरिया था बच्चों। ऐसा कहने वाला औरंगजेब के समय का एक राइटर है, नाम है अतर अली, है अतर अली। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत तगड़ा प्रश्न है बच्चों ये। यस, बहुत शानदार प्रश्न है। यस,
सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हवा कम लगती है बच्चों, ऐसे प्रश्न जब आते हैं। आपको पता होगा कि सीडीएस वालों में अगर आप ज्यादा नहीं 25 प्रश्न भी करेक्ट करके आते हैं तो आप पहुंच जाते हैं कहां, एंट्री हो जाती है एसएसबी में। यस, आगे बढ़िए, शानदार प्रश्न बच्चों, बहुत बढ़िया। और इसका आंसर देना है, देखो टाइप से क्या टाइप है, भूमि के टाइप से ध्यान रखना, हो सकता है आंसर शीट में आपको कुछ गलती मिल जाए क्योंकि आप खुद लगा सकते हो। क्या करोगे, देखो मैं कुछ नहीं करूंगा बच्चों, इसमें आप खुद आंसर लगाओगे, खुद आंसर लगाओगे। यस, क्योंकि अब देखो अंगुली पकड़ के सिखाना ठीक है लेकिन बिल्कुल जो है अपने ऊपर ही बिठा के पार करना नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि कमजोर रह जाओगे। और इसलिए तैरना सीखना है तो समुद्र में फेंकना पड़ेगा, नदी में डूब जा, यस, और वह खुद के प्राण बचाने के लिए प्रयास करेगा तो बिल्कुल तैरना सीख जाएगा। इसी तरह से ये आंसर दीजिए, देखिए आंसर पहले का क्या हो सकता है, पहला उर्वरा किसको बोलते हैं बच्चों, उर्वरा का मतलब फर्टाइल, बिल्कुल ठीक है। हाँ, नेक्स्ट दूसरा क्या बच्चों, दूसरा क्या लिखा, मरु, मरु किसको कहेंगे, मरु का मतलब जो मरुस्थल की भूमि है, डेजर्ट वाली। नेक्स्ट उसके बाद नदी मातृका, नदी यानी जो नदी के द्वारा सिंचित हो गई, और देव मातृका का मतलब जो वर्षा के द्वारा सिंचित, क्या हुआ है इसका आंसर बच्चों, तो पहला दूसरा, फिर चौथा, फिर उसके बाद में कौन सा गया, उसके बाद में पहला, और उसके बाद में तीसरा, कौन सा गया, चौबीस तेरह, जहां चौबीस तेरह है वह आंसर है। यस, बिल्कुल यह आपका आंसर जाना चाहिए और यही जाएगा। यस, क्योंकि यही चीज है, बिल्कुल हम इसे समझ पाते हैं, बिल्कुल कहने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि चौबीस तेरह। अगला अगर देखा जाए इसमें चौबीस तेरह में से कौन सा जाएगा, तो डी इसका आंसर है बच्चों, की के अंदर ए लिख दिया गया गलती से ना, और वो पीडीएफ बन गई है, इसलिए डी इसका आंसर है। यस, हालांकि आपके सीडीएस की और भी मार्केट में किताबें चल रही है उसमें भी ए आंसर दिया है बच्चों, लेकिन उस किताब में खोटा दिया है ना, और उस किताब का क्या नाम बताया जाए, क्या नाम उसका, गुप्ता जी की कोई किताब है ना, हाँ, सीडीएस के जो सारे प्रश्न दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, फाइव क्या है, बहुत अच्छा शानदार प्रश्न ये भी, इंडियन सोशल रिफॉर्मर जर्नल 1890 के अंदर आरंभ हुआ था, इसका संपादक कौन था बच्चों, तो इसके अंदर आंसर दिया गया है के एन नटराजन, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। यस, उपेंद्र पटेल, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, लगता है बच्चा नया है, बिल्कुल तो गुड इवनिंग के साथ साथ मोस्ट वेलकम, कहां से हैं आप जरूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके। चलिए, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज की मॉर्निंग क्लास मैराथन के अंदर धमाका हो गया भाई, यस धमाका हो गया, 550 से ऊपर तो लाइक चले गए और लगभग 3000 बच्चों के व्यूज, बहुत गजब की बात है मेरे लिए, तो मैंने कहा था इतिहास रचेगा और रच गया भाई, सच बात है ना, क्योंकि अब तक की बात की जाए ऑनलाइन तो अभी स्टार्ट हुआ है और हम तो पहली बार प्लेटफॉर्म पर आए, लेकिन रियल में आपका बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बड़ी खुशी भी हो रही है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार जानदार प्रश्न है, देखो क्या है, सबसे पहले लिप्जिग बच्चों किस लिए फेमस है, यह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए फेमस है, कहां पड़ता है लिप्जिग बच्चों, लिप्जिग पड़ता है जर्मनी में, कहां लिखा है बच्चों यहां, जर्मनी, तो जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस, डेट्रॉइट कार इंडस्ट्री के लिए फेमस है, कहां पड़ता है, असली डेट्रॉइट कहां है, तो वह पड़ता है यूएसए में ईरी लेक के तट पर, मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसलिए मुझे खुशी है और यह आंसर भी आ रखा है एग्जाम में, तो देखो क्या है, यूएसए हो गया। लॉरेन अल्सास और लॉरेन एरिया, आयरन के बहुत बड़ा एरिया है और यह फ्रांस में पढ़ते हैं, पहले जर्मनी के हुआ करते थे, उसको फिर बाद में कब्जा कर लिया किन्होंने, फ्रांस वालों ने, कारण कि उनके पास बीच में डिस्प्यूट रहे हैं, क्योंकि कभी इसका रहा, वर्तमान में किसके हैं बात बच्चों, तो लॉरेन जो फ्रांस के, और अब कम्बरलैंड रह गया, वो आप वैसे ही लगा दोगे क्या गया, तो क्या गया पहले बच्चों, फोर्थ, फिर क्या गया फर्स्ट, फिर क्या गया थ्री, और फिर क्या गया टू, 41-32, यस, साहिल स्वाम बिल्कुल सही, यस, उपेंद्र भाई तो मेरे पड़ोसी आपके पड़ोसी है, बहुत अच्छा, वेरी गुड भाई, वेरी गुड सर, आज तो मैराथन क्लास थी, यस थी बच्चों, मॉर्निंग में रखी थी मैंने, लगभग 125 प्रश्न थे और धमाका किया बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत, हाँ मजा आया था, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, मुझे भी आया था बच्चों, वेरी,
चलिए अच्छा कहाँ रायबरेली से उपेंद्र जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। यस तो कौन सा गया आंसर, 41 41 32। यस ठीक है, सबका आंसर सही है बच्चों। देखते हैं 41 32 कहाँ है, यानी 41 32 कहाँ लिखा है बच्चों, 41 32 आ गए हम सी पर, सी हमारा करेक्ट आंसर। अच्छा विशाल पाल आप भी राय बरेली से, अच्छा बरेली से हैं, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा, खुशी हुई मुझे ये जान करके, बहुत निकट निकट से बच्चे बैठे हैं, कभी जाएंगे आपके घर भी, यस वहां का भी बिल्कुल घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे है ना, और फिर जो है आनंद जरूर उठेंगे। आगे बढ़िए, यस इसके बारे में, पठार है बच्चों, पठान कर दिया, प्रायद्वीपीय भारत का पठार यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात की गई है, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन है, अच्छा कौन सा कथन है यहाँ, और क्या देखा है, कौन से कथन इनमें से सही है, यह चुनना है बच्चों। ठीक तो देखिए चारों देखना आपको सामने और आंसर देना है। गोपाल जी आप लेट हो गए बच्चों, समोसा खिलाना पड़ता आपको, पनिशमेंट मैं ऐसी देता है, यस या सभी को जूस पिलाना पड़ता है एक गिलास, लेकिन क्या करें आप दूर बैठे हैं इसलिए जो है जोर लगाऊं तो भी काम चलता नहीं, चलिए कोई बात नहीं ना, हाँ लेकिन लेट ना आए बच्चों, लेट आओगे तो पनिशमेंट में सबको जूस पिलाना पड़ेगा या समोसा खिलाना पड़ेगा या अपने अपने एरिया का एक व्यंजन खिलाना पड़ेगा, व्यंजन का मतलब खाने की बात। यस आगे बढ़ते हैं, क्या है देखो, दक्कन के पठार उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल बात सही है या करेक्ट बात है। दूसरी बात क्या है, मालवा का पठार जो है वह ऊंचा है, विंध्य का कगार जो है नीचा है, यह बात तो गड़बड़ गई और वह भी पूर्वी पार्ट बताता है मालवा वाला, नहीं गलत, यह रॉन्ग है बच्चों। दूसरा तीसरा क्या है, सतपुड़ा जो है वो नर्मदा और तापी के पृथक करता है, बिल्कुल बीच में पड़ता है, सतपुड़ा नॉर्थ में पड़ती है, नर्मदा और साउथ में पड़ती है तापी, बिल्कुल ठीक है। छोटा नागपुर का पठार और आर्कियन और ग्रेनाइट, आर्कियन ग्रेनाइट और रॉक से बना हुआ है, यस बिल्कुल सही है बच्चों, हिंदी में बहुत बड़ा डेंजर रखा है ना, समझ में भी थोड़ा मुश्किल से आता है, इसका मतलब जहां दो है वो नहीं है, जो दो नहीं है वही आंसर है, जिसमें दो नहीं है वो आंसर है बच्चों, और बाकी सब सही है, तो बाकी सब यानी सभी हो लेकिन दो नहीं हो तो यह कौन सा हो गया, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, यस बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़, यस शेड्यूल बता दो सर, शेड्यूल बता दो आरती, शेड्यूल हमारा क्या है, शेड्यूल हमारा है देखो जीएस का बताता हूं ना, मॉर्निंग में हम स्टार्ट करते हैं जीएस 7:30 से 8:30, इवनिंग में स्टार्ट करते हैं कब, 7 से 8, ओके यस आगे बढ़ी बच्चों। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी किताबों में काफी ज्यादा गलत दिया गया है, आंसर भी गलत है ना, लेकिन यहाँ हम सही करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ठीक है। 14वें वित्त आयोग के द्वारा बच्चों 32% जो है परसेंटेज था, जो राज्यों का हिस्सा था वह 42% हो गया था, वाई वी रेड्डी थे, उनके पीरियड के समय की बात है, अब ये अगला चल रहा है ना, 14वें की बात कर, अब ये अब तो क्या, हाँ 15वां आ गया, अब इसके अंदर क्या था बच्चों, तो देखो इसके अंदर ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, सभी हैं ये, यस ऐसा नहीं कि कोई आधार, हिस्सों का आधार का निर्धारण के लिए सर्वाधिक महत्व ये पूछा है बच्चों, प्रश्न को समझना है हाँ, तो अगर कहा जाए क्षेत्रफल में कितना था, तो यह था बच्चों 15% इसका हिस्सा, जनसंख्या का कितना था 17.5%, यह टैक्स इफोर्ट कितना, यह कुछ नहीं है ना, हाँ और इनकम डिस्टेंस यानी कि इनकम का जो वेरिएशन है या उसका जो स्पेल की बात की जाए, आय का अंतर कितना बच्चों, तो यह था 50%, तो आंसर क्या जाएगा आपका, बताओ आंसर दो, बिल्कुल आपके सामने है, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है देखो, इसे पता चल रहा है किसका सबसे ज्यादा महत्व किसको है, तो इनकम डिस्टेंस की बात, बी इज द करेक्ट आंसर, ओके ऐसे निकालना है आंसर को। आगे बढ़िए अगला प्रश्न देखो क्या है, आंसर दो अगला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, शानदार जानदार दमदार, यस देखो इनकम डिस्टेंस लाइक जरूर करना बच्चों, यस देखिए चलिए, लोकसभा के द्वारा पारित किसी धन विधेयक को, धन विधेयक यानी मनी बिल है, वह राज्यसभा के द्वारा कितने सप्ताह पर रोक के रखा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों 14 दिन, 14 दिन से ज्यादा नहीं, 14 दिन का मतलब कितना हुआ बच्चों, 14 दिन का मतलब कितना हुआ, आप कह सकते हो आंसर दे सकते हो बिल्कुल बच्चों, यानी कि 2 वीक्स ऐसा लिखिए, 2 लिखोगे इसका मतलब मैं हो सकता है ये भी समझ आऊंगी बी आंसर है ना, हाँ तो 2 वीक्स यानी ए इज द करेक्ट आंसर, ओके हाँ 2 वीक्स, यस बहुत अच्छा वेरी गुड, 14 दिन का मतलब यही होता है ना। आगे बढ़िए,
सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अवेलेबल टू सिविल सर्वेंट्स आर एश्योर्ड बाय, किसके द्वारा यह सुनिश्चित किए गए हैं। तो यह पहले तो सिविल सेवकों की बात की जाए, यूपीएससी की बात की जाए, तो वो कौन से पार्ट में बच्चों? तो वह 14वें पार्ट में है, भाग 14 में आ रहा है और वहां आर्टिकल है 311 या 311। 311 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, यस 311, यस 311 कहां लिखा है बच्चों? बी, यस बी इज द करेक्ट आंसर, यस 311, यस। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा गया, क्या लिखा है? अवैध रूप से निरुद्ध पाए जाने यानी कि अपराध नहीं किया उसने, ऐसा एश्योर्ड हो गया, ठीक है, इलीगली उसे जो है डिटेंड किया गया है, तो रिहाई के लिए क्या जारी किया जाएगा? उसे कहा जाएगा बच्चों बॉडी को क्या करना है, सामने लाना है न्यायाधीश के सामने, क्या बोलेंगे? हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यस बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। वैभव यादव बहुत अच्छा, वेरी नाइस, आशीष बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, प्रश्न बहुत ऐसे होते हैं डेंजर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के तो पार हो जाते हैं। पहला क्या लिखा है इसमें से, इसमें कौन सा जो है इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन द राज्यसभा, पहला राज्यसभा के अंदर कैन नॉट बी, यहाँ कैन नॉट इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, कौन सा ऐसा बिल है बच्चों जिसको वहां पर या नहीं भेजा सकता? तो आपको पता है बच्चों क्या कहा, क्या रखा मैंने? मनी बिल जो होता है, मनी बिल, यस, यानी कि धन विधेयक कहा जाए, धन विधेयक, यस, यानी कि या हम वित्त विधेयक के बारे में बात करें, तो वह कभी भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने का कोई मतलब नहीं होता बच्चों, यानी कि धन से संबंधित बात राज्यसभा में नहीं है, याद रखना, ठीक। यानी कि कहां लिखा बात, या फाइनेंशियल, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, सी बच्चों, सी, यस सी, सी याद रखना, फाइनेंस की बात है, नहीं जाएगा वह कभी। अच्छा, पांच टाइप की रिट, पांच टाइप की रिट एक बार बताई थी बच्चों मैंने ना, और एक मैं टॉपिक लूंगा इसको, चिंता ना करें, पूरा फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर पूरा का पूरा टॉपिक पूरा, वो दो दिन तीन दिन वही चलेगा, चिंता ना करें ना, हाँ एक साथ चलेंगे। अगला, अगला राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया, बहुत अच्छा प्रश्न यह, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक, कब यानी कि किसके जरिए बनाया गया? संविधान के अंदर जो है बच्चों पार्लियामेंट ने क्या किया, डिसीजन दिया है ना, हाँ, पार्लियामेंट का डिसीजन के द्वारा कहां लिया है, यानी कि संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा, यस, संसद के द्वारा एक पारित किया गया अधिनियम, पार्लियामेंट ने पास किया एक एक्ट और उसके तहत बनाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, बहुत ठीक ठाक प्रश्न है, प्रश्न आता है कई बार ये ना, और आ चुका है इसलिए आंसर देना है, बिल्कुल। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जुडिशियल की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, जनहितवाद यानी कि कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका भी बोलते हैं बच्चों ना, इसकी शुरुआत यानी PIL बोलते हैं कि शुरुआत उस समय जब हुई, उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों, और एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। क्या इसका आंसर जाएगा? इसका आंसर जाएगा बच्चों भगवती, PN भगवती, यस PN भगवती थे तब यह PIL आया था, याद रखना। लास्ट प्रश्न आपके सामने है, फिर हम आएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, यस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों का निबंधों अथवा शांत संग्रहों के संकलन के लिए 12वीं सदी की संस्कृत का कौन विद्वान जिम्मेदार था बच्चों? यहाँ प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से घुमाया गया, अब यह काफी किताबों के अंदर मैंने खुद ने ढूंढने की कोशिश की है लेकिन बच्चों नहीं मिला ये, बाकी सोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं और जो बता रहे हैं उसके आधार पर मैं प्रश्न का आंसर देता हूं, तो वह गोविंदाचार्य है, कौन सा? बी इज द करेक्ट आंसर है, गोविंदाचार्य। और इसके प्रश्न को ढूंढने की आप भी कोशिश करना बच्चों, क्योंकि यह पहली बात तो देखो कालिदास तो है ही नहीं, क्योंकि कालिदास तो कब का है, गुप्त काल की बात है बच्चों, यह तो गुप्त काल की बात है,
तो कालिदास तो हो ही नहीं सकता, 12वीं शताब्दी की बात कर रहा है। दूसरा आता है हर्षा, हर्षा यानी हर्षवर्धन, तो वह तो 7वीं शताब्दी की बात है बच्चों। गुप्ता का मतलब यह 4th सेंचुरी की बात है और वो 7th सेंचुरी की बात है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब दो बात है, कौन सा लक्ष्मी धारा और दूसरे है गोविंदाचार्य, तो इसके अंदर गोविंदाचार्य आंसर गया है बच्चों। और गोविंदाचार्य पांडे जो हैं वह तो हमारे 20वीं शताब्दी के हैं यार, तो उनका भी बारे में इस तरह से जो वो पांडे लिखे अलग है ना, लेकिन बी इसका आंसर दिया गया बच्चों, बी इसका आंसर दिया गया है और बी करेक्ट है। ठीक, बिल्कुल गोविंदाचार्य पक्का है, हाँ ये पक्का, तो गोविंदाचार्य इसका आंसर, ठीक है हाँ। क्योंकि कुछ जगह पर बहुत सारे सोर्स देखने के बाद ऐसा भी कुछ कहीं कहीं आया है, या लक्ष्मी धारा के बारे में भी कुछ हल्की सी बात आई कि अलबरूनी के आसपास का वो पीरियड रहा है, तो अलबरूनी तो बच्चों 12वीं शताब्दी की बात है, वहां ना 11वीं 12वीं के अंदर बैठा है, इसीलिए यहाँ गोविंदाचार्य का वैसे सही बताया गया, तो बी आपको याद रखना क्योंकि यही आंसर दिया गया है, बाकी यह बी आंसर है आप समझ सकते हो और दिखाया गया सारे के सारे। ठीक है, खोज आप भी जरूर करना है हाँ, क्योंकि सोर्स लिमिटेड है। बिल्कुल ठीक है हाँ, तो यही आंसर है। ओके आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं और पहुंचते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। खुश हो जाओ पहले, गद गद हो जाओ, यस ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जर्नी करोगे बच्चों आज और मजा आएगा, धमाकेदार ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। चलिए ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, चलते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया, यस ऑस्ट्रेलिया अपना ही है, बात बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया अपना ही है, यस। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जितनी भारत की पॉपुलेशन एक साल में जन्म लेती है ना, उतनी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की है, यस। और ऑस्ट्रेलिया खूब लोग जा रहे हैं और जो है घूमने के लिए भी जा रहे हैं और कुछ कब्जा करने के लिए भी जा रहे हैं, यस। देखो यह है ऑस्ट्रेलिया, मजेदार ऑस्ट्रेलिया, यस। आ जाइए फटाफट फटाफट, जो बच्चे थोड़े नींद में रह रहे थे या थोड़े जो इनएक्टिव थे वो एक्टिव हो जाओ, यस ऐसे हिलडुल के, ठीक तैयार हो जाओ। अब पहले इनके बारे में खास खास जानकारी लेंगे और फिर जो है उनके बारे में। सबसे पहले यह कौन सा सबसे छोटा आइलैंड है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन से नंबर का हुआ, यह 7 नंबर का कॉन्टिनेंट बच्चों, 7वां और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक स्मॉलेस्ट। इसके अलावा इसे कहते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट, आइलैंड आइलैंड कॉन्टिनेंट यानी द्वीपीय, द्वीपीय सभी जने पहुंचते हैं, यस द्वीपीय महाद्वीप। दूसरा इसके अलावा थ्रस्ट कॉन्टिनेंट और थ्रस्टी लैंड, थ्रस्टी का मतलब प्यासा यानी प्यासी भूमि का महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप, यस सब नोट करते जाना, यस। और इसके अलावा एक और खास बात, इसके अलावा और एक खास बात याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है, यस इसे कहा जाता है, एक और बात है क्या बोलते हैं बच्चों इसे, एक और अच्छा, लैंड ऑफ कंगारूस, कंगारुओं की भूमि, कंगारुओं की भूमि, यस ये भी बोलते हैं इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर, प्यासी भूमि का महाद्वीप, ये सारी बातें इसी के बारे में कही जाती हैं, नोट कर देना बच्चों फटाफट फटाफट फटाफट, यस। और अब इसके चारों ओर घूमते हैं हम, ठीक मैं आपको घुमाता हूँ, चलिए क्या कैसे कैसे घुमाना है, मैं जितना कह रहा हूँ वो बातें याद रखना, एग्जाम में वो बात ज्यादा आती है, मैं इसको जो इरेज करता हूँ जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जब आपके पास लिखने का टाइम नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ऐसे मैं दूर हो जाया करूंगा। चलिए यस आगे बढ़ते हैं, अब इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूं तो आपको बढ़िया सा दिखेगा, चलिए यहां से स्टार्ट करते, देखो कहां गया, चलो देखो सबसे पहले इधर इधर की ओर, ये क्या है तिमोर सी, याद रखोगे क्या है तिमोर सी, और आगे जाओगे तो यह पड़ता आराफुरा सी, ये जो है मैं बोल रहा हूँ वही एग्जाम में प्रश्न आ रहे, याद रखना। उसके अलावा यह है क्या, इसे नाम दिया जाता है इसे कोरल सी, कोरल सी, यस कोरल सी। और इस कोरल सी और आराफुरा को सी को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट है, इसका नाम है टॉरस जल संधि, टॉरस स्ट्रेट, यस। ये क्या नाम है, तिमोर सी, आराफुरा सी और कोरल सी, ओके आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और नीचे नीचे जाएंगे, पूरा चक्कर लगाते हैं, ये वाला तस्मान, एबल तस्मान था उसने खोजा था, इसलिए तस्मान सी, क्या नाम दिया गया है तस्मान सी, यस यह तस्मानिया पड़ता है। और यह है इंडियन ओशियन, ये क्या इंडियन ओशियन, ठीक
ये कौन सा ओशियन होगा? ये पैसिफिक ओशियन है बच्चों, बिल्कुल ये पैसिफिक ओशियन, ये तस्मान सी और ये इंडियन ओशियन। तस्मान सी को इंडियन ओशियन से मिलाने वाला ये वाला पार्ट, यहाँ एक स्टेट है, उस स्टेट का नाम है बास स्टेट। क्या नाम है? बास स्टेट, लिखा भी है बास स्टेट। ठीक, आगे बढ़ो। उसके अलावा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, यह भी वाटर की बॉडी है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट का मतलब समझ, काफी चौड़ी ओपनिंग, पानी आराम से आना जाने वाला। ठीक है, या तो इसके चारों ओर घूम लिया। इसके अलावा एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, या ये खाड़ी है, इसका नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी। क्या बोलते हैं? कारपेंट्रिया की खाड़ी। यस, बस आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। समझ गए, घूम गए चारों ओर। अच्छा, यहाँ पर पड़ती है ग्रेट कोरल रीफ, ग्रेट कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ भी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पड़ती है ऑस्ट्रेलिया, ऊपर पड़ता है पापुआ न्यू गिनिया, और बाकी दुनियादारी दूसरी है, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे और तब मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ समझो इसको, यह क्या है? ओसिनिया। ओसिनिया का मतलब क्या है? जब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया सभी मिल जाते हैं, तो उसमें क्या है? वो ओसिनिया के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, उसको एक अलग से चैप्टर लेके किया जाएगा। बच्चों, इसको समझाने से पहले मुझे ये जानकारी आपको देनी जरूरी है। देखो, ये ऑस्ट्रेलिया को समझो बच्चों, अब देखो क्लियर बच्चों। यस ना, अब क्लियर देखो। यस ना, अब तो दिख रहा है, मुझे पता था, लेकिन मैंने कहा बच्चों को समझने देते, कोशिश करते बच्चों। ऑस्ट्रेलिया को कितने स्टेट में बांटा गया? तो पहला ये स्टेट है क्वींसलैंड, दूसरा स्टेट है न्यू साउथ वेल्स। ठीक, ये न्यू साउथ वेल्स, बस हाँ। तीसरा है विक्टोरिया, तीसरा, चौथा है नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया और यह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कितने स्टेट है? छह। यस, और इसके अलावा एक तो ये कैनबरा, कैनबरा जो उसके ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, और दूसरा यह तस्मानिया, तस्मानिया, ये दोनों उस वहां के यूनियन टेरिटरी है। यस, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनते जाना, हाँ, दर्जा है। यह पहला राज्य क्या नाम है? क्वींसलैंड, क्वींस महारानी के नाम से नाम आया बच्चों। दूसरा न्यू साउथ वेल्स, वेल्स अपना पड़ता है ब्रिटेन में, और यह नया साउथ, साउथ में, नया साउथ में और वेल्स। ठीक, यह क्या है? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के नाम पर सबसे पहले यही बसाया गया था बच्चों। फिर क्या है? नॉर्दर्न टेरिटरी या नॉर्थ मिड ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है? ऑस्ट्रेलिया, कौन सा? साउथ ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसे साउथ मिड ऑस्ट्रेलिया भी बोल सकते हैं। अब इनकी कैपिटल, हालांकि नाम आएगा, मैं छोटा छोटी बात बताता हूँ, देखो सुनना। यहाँ पड़ती है बच्चों इधर की ओर, क्या नाम है इसका? ब्रिस्बेन। क्या नाम है? ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन किसकी कैपिटल पड़ती है? क्वींसलैंड की। दूसरा यह क्या? न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल पड़ती है बच्चों सिडनी। यस, सिडनी। हाँ, उसके अलावा विक्टोरिया, विक्टोरिया की कैपिटल पड़ती है मेलबोर्न। ये सिडनी, ये मेलबोर्न। उसके अलावा साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पड़ती है बच्चों, यहाँ नाम उसका एडिलेड। यस, एडिलेड। यस, उसके अलावा नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पड़ती है यहाँ बच्चों डार्विन। डार्विन अभी अभी नया नया बनी है, रम जंगल भी बोलते हैं ना, पास में वो रम जंगल, लेकिन डार्विन इंपोर्टेंट शहर है, बड़ा शहर है और याद भी रखना है। उसके अलावा इधर की ओर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पड़ती है पर्थ। क्या पड़ती है? पर्थ, अभी जस्ट आएगा ये। हाँ, ओके, समझ गए। अब चलिए आगे, मिटा दूं इसको, कर देना क्या, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। यस, अब आगे बढ़िए, अगला कदम यहां पहुंचे और बिल्कुल आपके सामने सारी चीज क्लियर है। क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा होगा बच्चों, ऐसा आशा करता हूं कि अब तो क्लियर दिख रहा ही होगा। यस, ना बता दिया करो बच्चों, तस्मानिया, तस्मानिया नीचे, तस्मानिया और कैनबरा। कैनबरा क्या है? कैनबरा उसकी कैपिटल है पूरे ऑस्ट्रेलिया की, तो वह भी जैसे हमारी दिल्ली क्या है, कैपिटल है नई दिल्ली, लेकिन वह क्या यूनियन टेरिटरी है, उसी तरह से वहां पर कैनबरा भी यूनियन टेरिटरी। यस, चलिए देखो आप और समझेंगे। सबसे पहले ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, क्या नाम है बच्चों इसका? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो ये क्वींसलैंड। क्या कैपिटल इसकी? ब्रिस्बेन। दूसरा कौन सा? देखो यह कौन सा है बच्चों, ये देखो
कौन सा है यह? यह न्यू साउथ वेल्स। कैपिटल क्या इसकी? सिडनी। उसके अलावा कैनबरा यहीं पर पड़ता है, कैनबरा यूनियन टेरिटरी है बच्चों यहाँ। नेक्स्ट उसके अलावा क्या है? नॉर्दर्न, नॉर्दर्न टेरिटरी के बारे में जिसकी कैपिटल क्या पड़ती है? देखो डार्विन, डार्विन हाँ, किन्नी किन्नी किताब में रम जंगल भी लिखा है लेकिन डार्विन याद रखना। उसके अलावा यह कौन सा है? नीचे वाला पार्ट देखो, ये कौन सा है? विक्टोरिया। इसकी कैपिटल क्या है? मेलबोर्न। उसके अलावा ये कौन सा है? देखो यह कौन सा? साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या पड़ती है? एडिलेड। यस एडिलेड। और उसके अलावा यह पड़ता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और इसकी कैपिटल पड़ती है पर्थ। दिख नहीं रहा है ना, ऐसे कैसे हो गया दिख नहीं रहा है? चलो दिखेगा भाई ना, काफी छोटा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, चिंता ना करे, यहां पहुंच गए, अब दिखेगा, सब दिखेगा। रिपीट कराऊंगा सारी चीजें, यही याद हो जाएगी। यस तो यह देखो बच्चों पहला कौन सा है? यह क्वींसलैंड है, अब दिख रहा है हाँ। यह क्या इसकी कैपिटल क्या? देखो ब्रिस्बन। ठीक, नेक्स्ट यह वाला कौन सा नीचे है? यह वाला पार्ट कौन सा है बच्चों? यह यहां तक क्या नाम है? न्यू साउथ वेल्स। क्या कैपिटल इसकी? सिडनी। ये सिडनी ठीक है। नेक्स्ट और यहां पड़ता है ये कैनबरा। देखो तो न्यू साउथ वेल्स के अंदर पड़ रहा है कैनबरा। जैसे दिल्ली कहां है? दिल्ली तो भारत की राजधानी है, नई दिल्ली, लेकिन है कहां? वह हरियाणा और यूपी से घिरी हुई है ना, उसी तरह से ये पूरी तरह से न्यू साउथ वेल्स में। उसके अलावा नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट जो आपको देख सकते हो, ये वाला पार्ट कौन है? इसका क्या नाम है? यस ये वाला, यहां से ये, तो ये वाला कौन सा है? इसका नाम है विक्टोरिया। और कैपिटल क्या है इसकी? मेलबोर्न। यस ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये वाला कौन सा? साउथ ऑस्ट्रेलिया। क्या कैपिटल इसकी? एडिलेड। उसके कौन सा? नॉर्दर्न टेरिटरी। क्या है इसका नाम? इसकी कैपिटल डार्विन। यस और उसके अलावा यह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल है पर्थ। यह भूलना नहीं है जो मैंने बताया आपको। यस और आप ध्यान रखें, यह तस्मानिया जिसकी कैपिटल पड़ती है होबार्ट। यस होबार्ट। अब इसकी इतिहास बताऊंगा पूरा, क्या क्या इतिहास है इसका। पर्थ दिख नहीं रहा है हाँ, ये क्यों नहीं दिख रहा है बच्चों? मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, हाँ इतना बड़ा सा दिख रहा है मुझे तो, और आप कह रहे दिख नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, दिखेगा जरूर। अब इसको कितना बड़ा करूं मैं ना, हाँ देखो इतना बड़ा करोगे तो दिखेगा। यस अब आप देखो यहाँ, यह देखो इंपोर्टेंट वाला पार्ट, क्या नाम है? यह तस्मानिया। कैपिटल क्या है? होबार्ट, तस्मानिया की कैपिटल। और यह क्या देखो? बास स्ट्रीट है। बास यह तस्मान सी को इंडियन ओशियन से जोड़ती है। विक्टोरिया बच्चों, विक्टोरिया तो यूनियन टेरिटरी तो नहीं है, यह तो जो है स्टेट है बच्चों ना। तस्मानिया जो है यूनियन टेरिटरी है ना, किसी किताब में ऐसा भी लिखा हो सकता है। यह देखो इस आइलैंड का नाम है कंगारू आइलैंड, देख रहे हो? यह कंगारू आइलैंड है, कंगारू आइलैंड याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखोगे? यहाँ पर एक बड़ा माउंटेन है, यह लंबा चौड़ा यहाँ से ऐसे, उसका माउंटेन का नाम है बच्चों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसकी हाईएस्ट पीक पड़ती है यह विक्टोरिया में। क्या नाम है इसका? माउंट कॉस्यूस्को लिखा है, माउंट कॉस्यूस्को। यस हाँ माउंट कॉस्यूस्को पड़ता है, ठीक है हाईएस्ट हाईएस्ट। आगे बढ़ते इधर की ओर आओ, यह एक लेक आयर है, सबसे गहरा स्थान यहाँ का। और आगे यह लेक आयर, यस और आगे आएंगे तो यह पर्थ है, आप देख ही रखा है आपने पर्थ के बारे में। और ऊपर की ओर आएंगे तो यह डार्विन है, यह तिमोर सी है, यह अराफुरा सी है, और इसके बाद में यह कार्पेंट्रिया की खाड़ी है। और यह कौन सी संधि थी? जल संधि बच्चों, आपको पता है अभी अभी मैंने बताया था कौन सी थी? टॉरेस। और यह वाला कोरल सी, ये पूरा का पूरा घूम गए बच्चों, चारों तरफ से घूम गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और जस्ट आगे देखिए बच्चों। आहा हा, ये तो कुछ और था। क्या था बच्चों? आपके लिए एक स्पेशल डायलॉग, या आपकी प्रेरणा के लिए, जज्बा जगाने के लिए, हौसले बुलंद कर, रास्ते पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़ कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला बन जाएगा। बच्चों बिल्कुल बात के अंदर इतना दम है, और यह फोटो भी ऐसी बात बताता है कि क्या कहा जाए। यस अकेला चलना पड़ेगा, यस अकेला चलना पड़ेगा मंजिल के लिए, तो पीछे कारवा बन जाएगा, वो नया रास्ता बन जाएगा, काफिला खुद बन जाएगा बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़िए
बहुत अच्छा शानदार जानदार, आगे बढ़िए देखो। और यहां ले आता हूं मैं ऑस्ट्रेलिया को ताकि और बड़ा सा, चलो पहले ऊपर ऊपर वाला ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब दिख रहा होगा फिजिकल, यस ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल, ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल, यस आ जाइए देखो क्या है यहाँ खास खास बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यहां से लगाकर यह तक क्या नाम है बच्चों इसका, यह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन, याद रखना ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, वो भी वेस्ट की और एक ईस्ट की, और आप देख सकते हो तो ये ईस्ट की और है, ठीक है ना, याद रखना। हाँ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, तो यह ग्रेट या मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड और मसग्रेव या मसग्रेव पड़ती है, ये भी रेंज है, पहाड़ियां हैं वहां और बहुत सारी हैं। या किम्बरले, किम्बरले प्लेट्यू, किम्बरले प्लेट्यू, जो जो मैं गोला लगा रहा हूँ वो याद रखते जाना, बाकी डेजर्ट के बारे में मैं एक साथ बताऊंगा बच्चों। यहाँ एक इम्पोर्टेंट रिवर चलती है यहाँ से और इसी का नाम है, या नीचे से जा रही है मरे और ऊपर से आ रही है डार्लिंग, ये डार्लिंग, ये डार्लिंग की सहायक है, ठीक ये सहायक है, तो मरे और डार्लिंग का बेसिन और यहाँ जाके नीचे गिरती है। मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की इंपोर्टेंट रिवर याद रखना, यह है मरे और यह है डार्लिंग, ठीक भूलना मत, जैसे हमारी गंगा यमुना, पूरा ऑस्ट्रेलिया का लगभग यह समझ लो बच्चों 80% पॉपुलेशन इसी वाले एरिया में रहती है, इसी वाले एरिया में 80% और बाकी 20% पूरे ऑस्ट्रेलिया में रहती है, क्योंकि उधर की और तो डेजर्ट ही डेजर्ट है, ठीक आगे देखें। गजब बात है बच्चों, बड़ा खतरनाक मामला है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसे कैसे हैं कि दिख ही नहीं रहा है ना, हाँ इतना गजब और क्लियर दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपको लगता है ठीक है समझा आपने, बाकी चारों तरफ घूम गए, आगे बढ़िए। ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर देखो बच्चों, प्रश्न आता है शानदार तो दिख रहा है, चलो आगे बढ़िए। यह लाइन कौन सी है, यह खींची गई बच्चों, यह वाली बात, इस लाइन का नाम है बच्चों 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, या इसे कहते हैं मकर रेखा, याद रखना मकर रेखा लगभग लगभग ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटती है, जैसे कर्क रेखा लगभग लगभग भारत को दो भागों में बांटती है उसी तरह से, याद रखना बात। और यह एक शहर पड़ता है रॉकम्पटन, यह शहर है रॉकम्पटन, और एक और पड़ता है यहाँ पर एलिस स्प्रिंग, लिखा नहीं है, एलिस स्प्रिंग और रॉकम्पटन जो है बच्चों बिल्कुल उसी के आसपास पड़ते हैं, और एलिस स्प्रिंग के तो ऊपर से गुजरती है। 22.5 क्यों लिखा भाई रॉनी शर्मा, हाँ 22.5 क्यों लिखा है, 23.5 लिखने में क्या समस्या थी आपको ना, हाँ 23.5 कर दो भाई, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 23.5 कहते हैं, 22.5 नहीं, एक कम क्यों कर रहे आप, आगे बढ़िए। यह ब्रिस्बेन है, याद रखना ब्रिस्बेन, इसके पास में पड़ता है गोल्ड कोस्ट, आपको पता होगा कि गोल्ड कोस्ट के अंदर हुआ था फुटबॉल, अपने इसका क्रिकेट का जो है गेम हुआ था, याद आ रहा है, yes. अरे ऑस्ट्रेलिया में हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स कैसे हो गए, ऑस्ट्रेलिया खुद एक कॉन्टिनेंट है, यह मेरे प्रभु जी कौन है ना, हाँ सौम्य रंजन शाहू ना, हाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टेट होंगे ना, हाँ तो स्टेट कितने थे देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 स्टेट थे, यस हाँ आगे बढ़िए, ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर कुछ लेक्स के नाम दिए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो है ये लेक आयर, याद रखना लेक आयर, ये आयर, लेक आयर बच्चों ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक में से है और वह सबसे गहरा स्थान है, इसका आसपास का जो ये एरिया दिख रहे हो आप, इस एरिया को कहते हैं आर्टिजन बेसिन, और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिजन बेसिन, आर्टिजन बेसिन का मतलब अपने आप पानी वहां बाहर आता है, थोड़ा सा खोदोगे ना तो पानी अपने आप बाहर आता है, यस हाँ आगे बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ भी हुआ है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी लेक है, तो लेक टॉरेंस, लेक डिसअपॉइंटमेंट, याद रखना यह लेक डिसअपॉइंटमेंट है, तो लेक आयर, लेक टॉरेंस और लेक डिसअपॉइंटमेंट कहां पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में है, यस याद रखोगे भूलोगे नहीं, बस इतनी सी जानकारी आपको मुझे यहां देनी थी, बाकी ये मरे हैं, ये मरे जा रही और ये जा रही है ऊपर से डार्लिंग, ये डार्लिंग, तो मरे और डार्लिंग का बेस ही नहीं है, आपको ये मैंने बताया है, बस आगे चलिए बच्चों। और ये पहुंचे हम
ऑस्ट्रेलिया के अंदर की ओर। मरे, डार्लिंग बेसिन, आयर बेसिन, मैकडोनाल्ड और डेजर्ट के बारे में हम बातचीत करेंगे बच्चों। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट, बाकी खास जानकारियां डेजर्ट के बारे में यह दूंगा। यह चलिए डेजर्ट हेडिंग डाल दिए भाई बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट कौन से, यह वाला पूरा डेजर्ट है ना, इस डेजर्ट का नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट तो था कौन, सहारा का डेजर्ट, और दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, याद रखना, भूलना मत। यस, आगे देखते हैं इनके नाम। हाँ, तो यह वाला है ग्रेट सैंडी, ये सैंडी डेजर्ट है बच्चों, ग्रेट सैंडी। पार्ट किसका है, पूरे सब ग्रेट ऑस्ट्रेलिया के पार्ट है। दूसरा कौन सा है, ये तनामी, ये तनामी है दूसरा। तीसरा कौन सा है, तीसरा है गिब्सन। फिर कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया। फिर कौन सा है, सिम्पसन, सिम्पसन भी लिखा नहीं है इसमें, यह सिम्पसन कर दो ठीक। यह इसके इंपोर्टेंट डेजर्ट है, नाम याद रखना, प्रश्न आता है। एक और इधर पड़ता है स्टुअर्ट स्टोनी, लेकिन सैंडी, तनामी, सिम्पसन, गिम्सन और विक्टोरिया डेजर्ट इसके पार्ट हैं। यहां से आपके आएंगे विक्टोरिया डेजर्ट कहां, तो विक्टोरिया वॉटरफॉल कहां, विक्टोरिया लेक कहां और विक्टोरिया डेजर्ट कहां, ऐसे ये प्रश्न आएंगे। तो ध्यान रखना ये क्या है, डेजर्ट सैंडी और गिब्सन और सिम्पसन और स्टुअर्ट स्टोनी, समझ गए आप बच्चों। यह यहाँ के और यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला, आपको बताया था मैंने अभी ठीक, और वह किम्बरले प्लेट्यू ठीक, ये हेमर्सले रेंज, ये पहाड़ी है वहां हेमर्सले रेंज, और यहाँ डार्लिंग रेंज, मरे डार्लिंग तो नदियां हैं, ये डार्लिंग रेंज पड़ती है कहां, पर्थ के नीचे। यस, गेम का हुआ था गोल्ड कोस्ट में, नहीं हुआ था बच्चों, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट में हुआ था ना, हाँ बहुत पहले की बात है। गोल्ड कोस्ट जगह है कहां, जस्ट ब्रिस्बेन के नीचे पड़ता है कहां, न्यू साउथ वेल्स में। देखो बच्चों यहां पर भी आपको डेजर्ट दिख रहे होंगे, क्या क्या नाम है डेजर्ट के दिख रहा है, देखो सबसे पहले ग्रेट सैंडी, तनामी, यह सिम्पसन, यह स्टुअर्ट स्टोनी और यह गिब्सन, यह ग्रेट विक्टोरिया। यस, बस ये नाम याद रखना बच्चों, एग्जाम में यह बहुत ज्यादा नाम आते हैं, घुमा फिरा करके देंगे, तो याद रखना है, गलती मत करना। जस्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, यह यहाँ की डेजर्ट और डेजर्ट में रहने वाले जीव जंतु कौन कौन से, उनके बारे में भी लिखा है, कौन कौन से हैं। अभी जस्ट वहीं जा रहे हैं बच्चों ठीक है, यस आगे बढ़ते हैं। यह आप देख सकते हो क्या है बच्चों, देखो अब यहां पर मैं बताऊंगा आपको खास जानकारियां क्या क्या, देखो यह कालगुरली और यह कुलगाड़ी, ये सोने की बड़ी खान है, याद मैं जो आपको यहां बनाता हूं बताना, मिनरल्स, यह कालगुरली और कुलगाड़ी, कुलगाड़ी और कालगुरली क्या है, सोने की गोल्ड माइन से, ये लिख देना गोल्ड। यस, आगे ये किम्बरले प्लेट्यू में यहाँ एक जगह पड़ती है बच्चों, नाम है उसका पिलबारा। यस, पिलबारा, पिलबारा आयरन की एक बहुत बड़ी खदान है, क्या निकाला जाता है, आयरन, लोहा। यस, इसके अलावा यहां पड़ता है जगह वेपा, वेपा याद रखना, वेपा जो है यहाँ, यह एल्यूमिनियम यानी बॉक्साइट की बहुत बड़ी खान है बच्चों, और बॉक्साइट से क्या तैयार किया जाता है, एल्यूमिनियम, दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम की यानी कि बॉक्साइट निकालने की वेपा जो है सबसे बड़ी माइन से। उसके अलावा बच्चों डार्विन के नीचे यहाँ इस जगह पर नीचे एक पड़ता है जगह, नाम है रम जंगल, ये रम जंगल, रम जंगल में यूरेनियम निकाला जाता है, यूरेनियम। यस, यूरेनियम का भी बहुत बड़ा भंडार है यहाँ, याद रखना बात को। यस, यूरेनियम का भी बहुत, तो क्या क्या काम है, कालगुरली, कुलगाड़ी में तो क्या निकलता है, गोल्ड, पिलबारा, पिलबारा में क्या निकलता है, आयरन, यहाँ इस वाले एरिया पर, इस वाले एरिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात है। उसके अलावा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पार्ट नॉर्दर्न टेरिटरी में, यहाँ है रम जंगल, क्या निकलता है, यूरेनियम, और यह क्वींसलैंड वाले एरिया में, यह कैप यॉर्क प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, और यहाँ पड़ता है वेपा, वेपा में क्या है, बॉक्साइट निकलता है, बॉक्साइट से क्या तैयार करते हैं, एल्यूमिनियम। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। यस, हो गया पूरा, बिल्कुल याद रखना। और यहीं पर
बाकी सारी चीजों को मैंने बताया आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे ऑस्ट्रेलिया का रेलवे मैप, तो ऑस्ट्रेलिया को देखो, लंबी चौड़ी बात ना करते हुए सीधे से आते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया को आर पार, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे का मतलब ऑस्ट्रेलिया को आर पार करने वाला ट्रैक। तो ये स्टार्ट होता है बच्चों पर्थ से, ये पर्थ है, पर्थ से होता हुआ कालगुरली और कुलगाड़ी से होता हुआ यह देखो चलता 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 यह आता है पोर्ट अगस्ता, फिर एडिलेड, फिर बाद में ब्रोकन हिल से होते होते यह सिडनी जाता है बच्चों, ये सिडनी। तो याद रखना यह ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग है, कहां से कहां तक जोड़ता है, तो वेस्ट में यह पर्थ से स्टार्ट होता है और ईस्ट में सिडनी तक जाता है, याद रखना। और इसको यहीं से फोर्ट अगस्ता से नॉर्थ की ओर लेके गए हैं एलिस स्प्रिंग को जोड़ने के लिए। एलिस स्प्रिंग इंपोर्टेंट शहर था बच्चों ये, बाकी यह छोटी मोटी अलग अलग पार्ट को जोड़ा गया है, लेकिन यह इसका नाम क्या है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। यस, याद रखोगे भूलना मत। इसके अंदर कहा जाए पर्थ से कहां, पर्थ से सिडनी, पर्थ से सिडनी। अब देखो, अब यह आगे की बात, यह माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया की बात है बच्चों, यानी कि यह कौन सा है माइक्रोनेशिया, ये कौन सा है मेलानेशिया और ये कौन सा है पॉलिनेशिया। प्रश्न आपके पूछा था एनडीए में इस साल कि न्यूजीलैंड कहाँ आता है, तो पॉलिनेशिया में आता है बच्चों, पूछा था, जिन्होंने दिया होगा एग्जाम उन्हें पता है। इसके अलावा यह वाला पार्ट आगे ऊपर देखो किरीबाती वगैरह, यह तो यह कहाँ आ रहे हैं, हवाईयन आइलैंड वगैरह कहाँ आ रहे हैं, पॉलिनेशिया में। मेलानेशिया में कौन कौन से आ रहे हैं, वनातू, फिजी, फिजी भी यही आ रहा है, और पंपुआ न्यू गिनिया, यह मेलानेशिया, मेला का मतलब काला है, याद रखना ना रंग उसका, इस तरह से। माइक्रोनेशिया देखोगे तो ये गुआम, ये पालाओस और यह मार्शल आइलैंड और यह किरीबाती वाला आधा पार्ट, और नारू, नारू ऊपर रह गया, यह वाला पार्ट कहाँ आ रहा है बच्चों, ये माइक्रोनेशिया। तो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और वो ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों जल्दी से, यस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और याद रखना, प्रश्न आया था आपको भी पता है जिन बच्चों ने दिया था, या उसके इंपोर्टेंट शहरों के बारे में कोई जानकारी विशेष। देखो ये पिलबारा, अभी अभी मैंने बताया था बच्चों, पिलबारा किसके लिए फेमस है, पिलबारा आयरन के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जगह ये पिलबारा, याद रखना। ये कैनबरा वहां की कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, ये एक एक स्टेट के बारे में बताया आपको, पीडीएफ भेजूंगा। ये बच्चों देखो वेपा, यह एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा हाँ खदान है, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बॉक्साइट निकलता है। और इस पेनिनसुला का क्या नाम है, कैप यॉर्क, कैप यॉर्क पेनिनसुला। और खाड़ी कौन सी है, कारपेंट्रिया की खाड़ी। और बाकी एक एक इंपोर्टेंट सारी चीजों को मैंने यहाँ पर इस मैप के सारे दिया गया है। एक स्टेट है कौन सा, क्वींसलैंड। ये देखो न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। प्रश्न आपसे पूछा गया है बॉटनी बे कहाँ पड़ती है, बॉटनी बे, यस, तो सिडनी के पास पड़ती है बॉटनी बे, बॉटनी बे, यस। और अभी अभी मैंने कहा था, क्या कहा था, एक आपको गोल्ड कोस्ट, ये वाला एरिया गोल्ड कोस्ट का एक जगह का नाम है, गोल्ड कोस्ट, ठीक है। ये रहा गोल्ड कोस्ट, देखो ब्रिस्बेन के नीचे गोल्ड कोस्ट, मैं जो आपको यह गोल्ड कोस्ट, यही प्रश्न आपके आया है एग्जाम में। और इसके अलावा अभी अभी कहना कहा क्या, हाँ यह, और ये ऊपर क्या था वह वेपा, यह मैं आपको आपको भेजूंगा लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये बॉटनी, बॉटनी बे कहाँ पड़ती है, सिडनी के निकट। सिडनी बच्चों ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है, हम कहते हैं भारत का मुंबई, वैसे के वैसे वहां का सिडनी। सिडनी में ओपेरा हाउस, बहुत बड़ी होटल है, बहुत बड़ी होटल है ओपेरा हाउस, यस याद रखना। सिडनी को बोलते हैं वुलन पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वुलन पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं बच्चों, यस। इसके नीचे क्या है, विक्टोरिया, विक्टोरिया, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया। अलग अलग नाम देखो सबके, मैं भेजूंगा। ये नॉर्दर्न टेरिटरी, वही पड़ता है ऊपर डार्विन बच्चों, है डार्विन, या डार्विन, यस। आगे बढ़िए, और कुछ बात आएगी, चलिए आगे बढ़ते। कौन सा, या विक्टोरिया वाला पार्ट, देखो विक्टोरिया नीचे वाला बिल्कुल, या विक्टोरिया का कैपिटल क्या है, मेलबोर्न, यस मेलबोर्न। आगे बढ़ते हैं, यह वेस्टर्न टेरिटरी, और याद रखना आपको कौन सा, पर्थ और फ्रीमेंटल, और स्वान नदी पर बहती है वहां, ये इंपॉर्टेंट बात है खास। आगे चलता हूं बच्चों मैं, बिल्कुल 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 बच्चों, खास खास ही बताऊंगा, मुझे पता है क्योंकि बच्चे परेशान भी हो जाते हैं क्या क्या। देखो यहां से प्रश्न आपका बहुत ज्यादा आता है, इसलिए मैं यहाँ ले आया हूं आपको। देखो ये सब वहां के प्राणी हैं, सब वहां के प्राणी हैं, इंडिया स्टार्ट नहीं किया बच्चों मैंने, इंडिया स्टार्ट करूंगा। तो देखो बच्चों इसके नाम देखो, ध्यान से सुनते जाना,
यह क्या है, देखो यह तो क्या है, वहां कोरल रीफ है यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ, उसके अंदर की बात है, उसके अंदर के जानवर है सारे यानी कि सी एनिमल्स, उसके अलावा क्रोकोडाइल, वाटर बफेलो, डिंगो, ये कुत्ते की तरह होता है डिंगो, याद रखना पहले, उसके अलावा सी टर्टल, ठीक है, एमू, एमू वहां के पक्षी हैं, एमू बच्चों, ये ऑस्ट्रिच है, ये एमू, यस, उसके अलावा या कंगारू, आप देख रहे हो कंगारू, इसीलिए जाना जाता है बच्चों स्पेशल कंगारू है ये। उसके अलावा देखोगे स्पाइनी एंट ईटर बहुत ज्यादा पूछा गया है, क्या है यह, ओवीपेरस यानी एकेडिना इसका नाम है, यस, आगे बढ़िए, वो शार्क, और ये लॉयल बर्ड देख रहे हो आप, लॉयल बर्ड देखो आप, लॉयल बर्ड क्या करता है, या नकल करने वाला कोकाबरा और लॉयल बर्ड, यस, वहां के इंपोर्टेंट बर्ड्स है। ये कोला, कोला एक, हाँ ये कोला है बच्चों, रात को यह निकलता है शिकार करने के लिए, यस, प्लेटीपस, ये प्लेटीपस बच्चों, यह भी अंडे देने वाला जानवर है, ये ऑस्ट्रेलिया में खूब सारे रहते हैं। फ्रेल्ड लिजार्ड, उड़ने वाली एक तरह से है ना, ऐसा कहा जाए ना, आगे इस तरह से फ्रेल्ड लिजार्ड, नेक्स्ट, उसके अलावा बाकी सब आप जानते हो नॉर्मल क्या क्या है। यह कोकाबरा पक्षी देखो, याद रखना, प्रश्न आता है, ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में, कौन कौन से वहां जानवर रहते हैं, तो याद रखना जो गोले लगाए मैंने, प्रश्न आएगा तो आंसर देना पड़ेगा आपको, यस, आगे बढ़ते बच्चों, और यह आ जाइए ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहां से, दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है ये, ग्रेट बैरियर रीफ बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाती है, ये सब वहां के अंदर के जानवर देख सकते, ग्रेट बैरियर रीफ, यस, याद रखोगे, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट के, नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर सारे सारे चलती है, ये समुन्द्र के अंदर है बच्चों ये, और उसके ऊपर पानी है यानी सिचला एरिया है, सिचला एरिया का मतलब क्या हुआ, पानी, ठीक है, देख रहे हो, याद रखना बच्चों ये वाला पार्ट, समुन्द्र के अंदर वाला पार्ट, ठीक, जो डूबा है ना वह ग्रेट बैरियर रीफ के रूप में जाना जाता है, और इसका पार्ट इसके अफेक्टेड है, याद रखोगे भूलोगे नहीं, और यहाँ आ गई मैरिनो अपनी, यस, मैरिनो भेड़, अरे देखो तो सही ऊन इसकी ना, अरे उसके ऊन पर ही जो लोग तो जो है, चलो भेज दी जाएगी ना, भेज दी जाएगी, चलो मैं भिजवाता हूँ अभी, है ना, हालांकि अब लेट हो जाता है बच्चों, लेकिन भिजवा देंगे, चिंता ना करें ना, देखो पूरी ऊन ही ऊन, यह मैरिनो भेड़ बच्चों कहाँ की है पता है, ये स्पेन की ओरिजन है, स्पेन पहले क्या था, अब लंबी चौड़ी कहानी बताने अब अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ना बच्चों, कैसे जो यह खोजा गया, तो एक था कैप्टन कुक और एक था एबल तस्मान, वो अलग अलग पीरियड में आए और उस इलाके को उन्होंने खोजा, फिर बाद में जब पता चला कि ये ऑस्ट्रेलिया है, टॉलमी ने अपनी किताब में लिखा था अल्मागेस्ट में, टेरा इनकॉग्निटा का मतलब एक ऐसी दुनिया में भूमि है जो जानी नहीं गई है, लेकिन वहां सोना ही सोना है, तो सेलर यानी कि नाविक लोग उसे खोजने के लिए निकले, और फिर बाद में उनको यहाँ खोजा, बाद में पता चला कि सोना तो बाद में पता चला, उस समय नहीं था पता, तो क्या क्या इतनी दूर भूमि पर क्या किया जाए, तो ब्रिटेन ने वहां पर अपना कब्जा किया, और अपने वहां के जो क्रिमिनल्स थे, लुटेरे, बदमाश, चोर, उचक के, उनको वहां पर भेजा, वहां जेल बनाई, यानी उनके लिए वह काला पानी की सजा थी, तो वहां जो सबसे पहले विक्टोरिया प्रांत बसाया उन्होंने, विक्टोरिया वाले में, क्या तस्मानिया की खोज हुई, और विक्टोरिया में मैंने आपको बताया मेलबोर्न वगैरह वो बसे पहले, सबसे पहली बस्ती थी वहां, जॉर्ज कुछ नाम था, जॉर्ज टाउन वगैरह कुछ नाम है, वो पहली बसाई गई थी वहां मेलबोर्न के पास। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में फिर वो जब उनको कैद किया गया ना, तो वो लोग जो जेलें तोड़ तोड़ के भागे इधर उधर, तो भागे तो वहां पर फिर सोने की खोज हुई बच्चों, और वहां के अबोरिजन आदिवासी थे उनको मार मार के एक इलाके के अंदर भेज दिया गया, और बहुत जो है उनको बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, आज तो जो बहुत ही छोटे से एरिया में वो नॉर्थ टेरिटरी में रहते हैं, ठीक है ना, देखेंगे उसको भी, बात करेंगे, तो उनका जब वो वापिस वहां से जहाज वहाज लेके गए कि वहां तो सोना मिल गया है, तो अपने रिश्तेदारों को वगैरह सबको नाम में बिठा बिठा के ऑस्ट्रेलिया आने लगे, तो एक व्यक्ति जो था उसकी सिस्टर की शादी हो रखी थी स्पेन में, और वह जो उसके जीजाजी थे उनका वहां पर भेड़ों का कारोबार था, तो उन्होंने कहा मैं जब सिस्टर जा रही तो उसको भी जाना था, पति को, हस्बैंड को, है ना, तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा मैं भी चलता हूँ, कुछ भेड़े लेके चलते हैं, अगर वहां पर सही सक्सेस हो गई तो वहां मैं पूरा शिफ्ट बिजनेस करूंगा, इसी तरह से वहां से भेड़े आई बच्चों,
और स्पेन का ओरिजिन है, लेकिन वहां पर ये बहुत अच्छी फूली फली फूली, कारण क्या क्लाइमेट अच्छा था और यह वहां पर सक्सेसफुल होगी बच्चों। इस तरह से मेरिनो भेड़ है, ये दुनिया की सबसे बेस्ट ब्रीड है याद रखना। और वुलन पोर्ट सिडनी को कहा था मैंने, आपको याद आ रहा होगा। यह पेड़ों के बच्चों, पेड़ों का मतलब वो जगह जहां पर भेड़ों का पालन किया जाता है, वो जगह ये, ठीक है। देख रहे हैं आप, आगे बढ़िए। यह बच्चों है, मैं नहीं बोलूंगा कौन है, ये कौन है, दो पैर है पिछले वाले, ताकतवर पूंछ है इसकी बहुत गजब, उसी से बैलेंस चलता है। पूंछ काट दी तो यह कूदेगा ना, तो अपना बैलेंस नहीं बना पाएगा, प्रश्न आया हुआ है। आगे वाले छोटे पैर है, और ये मार्सुपीलियल है, ये थैली है उसके अंदर ये बच्चा बैठा है, ये बच्चा है इसका, हाँ जो इसके अंदर है, मार्सुपीलियल मैक्रोपस बोलते हैं। कौन सा, यह मेटाथीरियन है, यस याद रखोगे, ओवोविविपेरस है। यह बच्चों देखो क्या है वहां का, एमू, ये एमू है वहां का पक्षी, बर्ड है, देखो इसके, देखो तो सही, यहाँ निगल जाता है बड़ी बड़ी चीजें भी, हाँ अंदर से एमू, यस। आगे आगे देखोगे यह क्या है बच्चों, कोकाबरा, कोकाबरा देखा था, लॉयल बर्ड देखा था, यस वही के स्पेशल, ये देखो यह भी पक्षी वहीं का है, यस। आगे देखोगे बच्चों, यह वहां के लोग हैं, नेटिव पीपल जिनको बोलते हैं स्नो। बच्चों वहां क्यों गिरेगा, इतनी ज्यादा ठंड थोड़ी पड़ती है, इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती बच्चों, हाँ देखो मकर रेखा बीच में से गुजर रही है, इतनी बर्फ नहीं पड़ती, सर्दियों में थोड़ा किसी किसी एरिया पर है, बाकी नहीं, हाँ याद रख। यह वहां के आदिवासी लोग है बच्चों, नाम है आबोरिजन, और इन्हीं को इतना जो है लोकेटेड एक एरिया नॉर्थन टेरिटरी में, ककाडू, ककाडू नेशनल पार्क, उसी एरिया में रहते हैं बच्चों। एक तरह से ये म्यूजियम में कैसे रहते हैं वैसे लोग रह गए, इतना उनको, इतना संख्या उनकी कम हो गई है। यह वहां के नेटिव पीपल है बच्चों, यह देखो वहां के नेटिव पीपल, यही है आबोरिजन्स, यह है आबोरिजन्स, यस। आगे देखो, आगे देखेंगे, यह ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैंने आपको बता दिया, वैसे यह भी आपके चीज को बता दी मैंने। एक खास बात है कि यह देखो बच्चों, यह है खदाने, कहां की खदाने, यह बच्चों रम जंगल की खदाने हैं, रम जंगल जहां से यूरेनियम खोजा गया है। अच्छा आपके फ्रेंड लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, हाँ देखो आप आगे बढ़ते हैं, और यह देखो बच्चों ककाडू नेशनल पार्क दिख रहा है, ये ककाडू नेशनल पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बच्चों, ककाडू नेशनल पार्क कहां पड़ता है, यही नॉर्थन टेरिटरी के अंदर पड़ता है, और इसी वाले एरिया में रहते हैं आजकल कौन, अबोरिजन्स, याद रखना अबोरिजन्स वहां के मूल निवासी बच्चों। ऑस्ट्रेलिया में एक ट्री होता है उसका नाम है यूकेलिप्टस, याद रखना, यानी जिसे सफेदा कहते हैं, या फिर जो है हम बोलते हैं उसे क्या, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, हाँ यूकेलिप्टस जो है बच्चों वह पर्यावरण का आतंकवादी है, टेररिस्ट ऑफ इन्वायरमेंट बोलते हैं बच्चों, वहां यहीं का है, क्योंकि वह न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा ले लेता है और आसपास के पेड़ों को मार देता है बच्चों, साथ ही साथ वह एक जहर छोड़ता है, और वह उसके जब दूसरा पेड़ उसे लेगा ना पानी को, तो वह जहर उसके अंदर जाएगा और वह बीमार पड़ जाएगा दूसरा वाला पेड़ और मर जाएगा, इसलिए बोलते हैं टेररिस्ट ऑफ एनवायरमेंट यूकेलिप्टस, यस याद रखना। आगे क्लास इंग्लिश की होने वाली है, जस्ट मैं सिर्फ एक मिनट के अंदर क्लास छोड़ता हूं, है ना, अभी संजीव सर तुरंत आ रहे हैं, यस होगी क्लास। यह देखो ऑस्ट्रेलिया के एनिमल्स कौन कौन है, देखो कोला दिख रहा है, डिंगो दिख रहा है, ये डिंगो, ये कोला, यह ग्रीन टर्टल, वो एमू उधर वाला, क्रोकोडाइल वगैरह दिख रहे हैं, यह एकिडना याद रखना भूलना मत एग्जाम में बहुत, ये प्लेटीपस, यहाँ कंगारू नहीं दिया हमने, ये दिया देखो, तो यहां से याद रखना एग्जाम में आने वाले कौन कौन से ज्यादा एग्जाम आता है, तो एक तो इसका पूछा जाता है बच्चों प्लेटीपस का, ठीक, एक आता है स्पाइनी एंट ईटर, ये एकिडना, एक कौन सा, ये कंगारू जिसके बारे में एग्जाम आता है, ये तीन प्रश्न तो पक्के आते हैं बार बार, और ये यहाँ का एमू याद रखना, एमू वैसे एमू, यस इंपोर्टेंट, नहीं उड़ने वाला पक्षी ये, याद रखना इनका, और कोला, ये कोला और डिंगो भी याद रख लेना, ये याद रखना जिनके बारे में मैंने कहा है आपसे, यस। अभी क्लास होगी इंग्लिश की, अब मैं छोड़ रहा हूं आपको, जस्ट याद रखोगे बच्चों इसके बारे में थोड़ी जानो, प्लेटीपस है ना, डक बिल्ड प्लेटीपस, इसका
यह एक अकेला ऐसा मेमल्स है बच्चों, मेल मेल मेमल्स, जिसका एक पैर में, चार पैरों में से एक पैर में, ये तैरने वाला है, समुद्र में रहता है, पानी में रहने वाला है, उसके पैर में क्या होता है, एक कांटा होता है। और मेल और फीमेल साथ साथ घूमते रहते हैं, पानी में चलते रहते हैं। जब भी कोई दूसरा मेल पास में आता है तो वह उसे कांटा मारता है, और वह जहरीला कांटा है बच्चों। पति पत्नी के साथ घूम रहे, कोई डिस्टर्ब करने आ गया तो उसे क्या लगा दिया, कांटा लगाएगा, जहरीला है वो, बेहोश कर देगा, मर तो मर भी सकता है, इतना डेंजर। एक अकेला मेमल्स, ये भी कैसा, वो भी पेरस, और वो भी इस कैसा है, पॉइजिनियस, याद रखना। क्या नाम है इसका, प्लेटिपस, डक बिल्ड यानी कि बतख की तरह सोच होती है, इसलिए ऐसा है, याद रखोगे भूलोगे नहीं। नेक्स्ट लास्ट बात, ये भी देखते जाओ और फिर मैं आपको छोड़ता हूं। देखो क्या है, यह देख रहे हो आप, क्या है, डक बिल्ड प्लेटिपस है, या यहाँ पर स्पाइनी एंटीटर है आपने, या स्पाइनी किसका, पॉइजिनियस स्पाइनिस का, या क्या है, स्पाइनी एंटीटर, यस, ये क्या है, देखो कोला का, हाँ इनको देखना है, डिंगो, ये कोला बच्चों, वो डिंगो, याद रखना, ठीक। चलिए बच्चों, आपको कह रहे, कोई कह रहे पीडीएफ नहीं आ रही है, चिंता ना करें, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, चिंता ना करें, सारी पीडीएफ भेज दी जाएगी। और बच्चों आप लोगों का बहुत ही शानदार जोश, इतना गजब का है सिलेक्शन के प्रति कि बहुत ही आनंद आ रहा है। अभी संजीव सर आ गए हैं बिल्कुल, और आपकी क्लास जस्ट स्टार्ट होने वाली है। मैं आप लोगों से विदा लूंगा बच्चों, जय हिंद जय भारत।